हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम व्यास। और बच्चों के स्कूल से आने के बाद मैंने ये फ्राई किया है। इसे फ्राइम्स कहते हैं कि क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, तो मैंने इसे फ्राई कर दिया है। और साथ में बच्चों के लिए मैंने मिल्क शेक बनाया था, लेकिन बच्चों की डिमांड कुछ और ही थी। उन्हें ये नहीं खाना था, उन्हें कुछ और खाना था जो उनकी फेवरेट रेसिपी थी। तो मैं भूल गई थी आज उनको ये नाश्ता देना था, लेकिन मैंने कुछ और ही बना दिया। तो अभी मैं बच्चों की डिमांड पर उनकी फेवरेट रेसिपी बना रही हूँ। शायद ये आपके बच्चों की भी फेवरेट हो जाए। तो इसके लिए मैंने आलूओं को अच्छे से धो दिया है और उन्हें लंबा लंबा चिप्स की तरह काट लिया है। अभी यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जैसे ही गरम होता है, इसके अंदर हमें आलू को फ्राई करना है। आलू में बिल्कुल भी पानी ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई भी आटा हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पानी ना रहे उतना ही ध्यान रखना है। और इसके बाद ये आलूओं को हमें गोल्डन कलर का फ्राई करना है। जैसे आप चिप्स को फ्राई करते हो ना, उसी तरीके से इसे फ्राई करना है। तो देखिए, हमारे आलूओं का कलर है वो थोड़ा सा बदली हो चुका है, तो मैं और थोड़ा सा डार्क होने तक इसे फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इन आलूओं को मैं ले लूँगी। तो देखिए, अभी हमारे आलू एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं गोल्डन कलर के। तो अभी इसे मैं एक बाउल में ले लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा तेल जैसा लगता है इसमें, तो आप टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल कर दीजिए। तो अभी मैंने बाउल में आलूओं को रख दिया है। अभी हमें इसकी आगे की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर मैंने वेज मेयोनीज ले लिया है, अमूल का चीज़ स्प्रेड लिया है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो देखिए, कुछ चीज़ स्प्रेड ऐसा दिखता है। अभी इसमें हमें थोड़ा सा, जो आलू की चिप्स थी ना, वो आलू की चिप्स के ऊपर हमें थोड़ा सा नमक डालना है। ये वेज मेयो था जो, उसे डालना है और चीज़ स्प्रेड डालना है। इन तीनों को डालने के बाद आलूओं में इसे अच्छे से मिला देना है। आप चाहे तो पहले वेज जो मेयो था और चीज़ स्प्रेड था उसे मिलाइए और उसके बाद उसमें आलू डालिए और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और बस हमारी ये डिश बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन रेसिपी ज़रूर से बनाइएगा। फिर से आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।